कुछ प्रॉब्लम्स आपको एपी में कुछ ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको सम दिया जाएगा इन द वेरिएबल फॉर्म, और आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए वो सीक्वेंस क्या होगी। जैसे मैंने आपको ले लिया है फॉर एग्जांपल एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो आप बताइए सीक्वेंस क्या होगा। तो इनको करने के लिए क्वेश्चंस को हमको पहले बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपको मैं देता हूं एस एन इक्वल टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सम ऑफ एन टर्म्स, ये एन टर्म का सम है और ये वही एन है जिसकी बात हम ध्यान में कर रहे हैं। यदि मैं पुट करता हूं इसमें पुट एन इक्वल टू वन, तो आपको मिलेगा एस वन इक्वल टू टू इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन, दैट इज टू प्लस थ्री फाइव। सपोज मैं पुट करता हूं टू, तो टू टू द फोर टू द एट प्लस टू थ्री का सिक्स, दैट इज 14। एस थ्री की बात करूं मैं, पुट एन बराबर थ्री, थ्री थ्री नाइन टू द 18 प्लस थ्री थ्री नाइन, दैट इज 27। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले टर्म का सम, एंड सम ऑफ वन टर्म, यानी कि वन टर्म का सम का मतलब ये खुद में क्या होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म। ये आपका है दो टर्म का सम, सम ऑफ टू टर्म्स। जो भी आपके पास सीक्वेंस है मान लीजिए ए बी सी डी, इट इज योर सीक्वेंस, इट इज योर फर्स्ट टर्म, नाउ इट इज योर सम ऑफ टू टर्म्स, यानी कि इन दोनों टर्म का सम कितना मिला है आपको 14। ठीक, जबकि पहला टर्म आप निकाल चुके हो आप 5, यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट टर्म इज 5, आपको ये दे रहा है कि दो टर्म का सम कितना है 14, तो सेकंड टर्म क्या होगा, सम कितना है 14। ये टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 14 माइनस 5 दैट इज 9। अब थर्ड टर्म ये बोल रहा है कि तीन टर्म का सम है 27, मींस यहां तक का सम आपको मिला है 27, जबकि इतने का सम कितना है 14, ये कितना हो जाएगा टर्म आपका 27 माइनस 14 दैट इज 13। तो यहां पे आप देखिए जो आपका एस वन है वही आपका फर्स्ट टर्म है, लेकिन सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, यहां हम इसको लिख देते हैं, तो यहां से हमने क्या सीखा है, जो आपका एस वन है वही आपका फर्स्ट टर्म है, लेकिन जो आपका सेकंड टर्म है वो आपको मिला था एस टू माइनस एस वन करके, एस टू माइनस एस वन। सिमिलरली थर्ड टर्म आपको मिला था एस थ्री माइनस एस टू, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं टी फोर के लिए, आप बनना पड़ेगा एस फोर माइनस एस थ्री एंड सो ऑन। हम यही प्रोसेस यहां फॉलो करने वाले हैं। तो आपको दे रखा है एस एन, तो आपसे मैं कहूं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे पुट एन बराबर वन, तो आपका एस वन होगा वही आपका होगा फर्स्ट टर्म, तो आप सिंपली यहां पुट कर सकते हो कितना होगा, वन पुट करेंगे यहां पर तो ए इंटू वन ए प्लस बी इंटू वन डेट इज बी, तो आपका ये मिल जाएगा फर्स्ट टर्म। अब पुट करो इसमें आप एन बराबर टू, जिससे आपको मिलेगा एस टू, टू टू फोर फोर ए प्लस टू बी। सिमिलरली एन बराबर थ्री पुट करोगे आप तो आपको मिलेगा एस थ्री, दैट इज थ्री थ्री नाइन, नाइन ए प्लस थ्री बी। तो आपको एस वन जो आपका खुद में क्या है फर्स्ट टर्म होगा, अब आप मुझे बताइए आपका सेकंड टर्म क्या होगा टी टू, तो टी टू के लिए आप क्या करेंगे एस टू माइनस एस वन, एस टू क्या है आपका एस टू माइनस एस वन, तो वैल्यू ऑफ एस टू इज दिस 4a प्लस 2b माइनस एस वन, दैट इज ए प्लस बी, सब करना घट जाएगा आपका, ये क्या बचा 3a प्लस बी, इट इज योर टी टू। अब चूंकि मुझे पता करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की बात हमने की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली वीडियो में, तो ये कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है बी, और ये मिलता है मुझे टी टू माइनस टी वन से, तो इसी को यूज करके निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू टी टू मैंने पता कर लिया है
थ्री ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी एंड मेरा टी वन क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म ही टी वन होता है, दैट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी। ऑन सॉल्विंग थ्री ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, थ्री ए माइनस ए दैट इज टू ए, इट इज कैंसिल आउट डी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनकर के आ गया, आपको दिया गया है एस एन, सपोज ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो इसका जो फर्स्ट टर्म आपका होगा वो केवल ए और बी का सम होगा, और जो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा डी वो आपका 2a, यानी किसका डबल आपका होगा। आप डायरेक्ट देख करके अपना फर्स्ट टर्म और अपना कॉमन डिफरेंस एक ही बार में बता सकते हो क्या क्या होने वाला है। जैसे अभी हम सवाल लेकर देखते हैं, फाइंड द सीक्वेंस व्हिच sn इज 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलिए 2 प्लस 3 इट इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2a, 2 into 2 4, इट इज योर a, इट इज योर b। तो आप एक बार लिख सकते हैं, तो a को लेते हैं एग्जांपल, s इज इक्वल टू 6n प्लस 7n, तो इट इज योर a, इट इज योर b। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस b, 6 प्लस 7 13, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2a, ये क्या है 6 means 12, अब सीक्वेंस क्या होगी 13, 12 का डिफरेंस means 25, means 37 and so on। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको याद रखना है। इसमें हमने sn की बात की है, ऐसे ही आपको tn भी मिल सकता है, Pn दिया जाएगा और कहेगा आपसे कि सीक्वेंस क्या होगी, वो डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।